कोरोना के बाद आज लंबे अरसे के बाद जो है स्कूलों को खोल दिया गया है। इस वक्त महाराजा इंटर कॉलेज अयोध्या में है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस के साथ यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर गार्जियन के साथ बच्चों को जो है शिक्षा जो स्कूल पहुँच रहे हैं उनको जो है सहमति पत्र लिया जा रहा है या फिर उनके गार्जियन से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद उनके क्लासरूम में प्रवेश किया जा रहा है। जिन तस्वीरों में देखिए यहाँ पर गोले बनाए गए हैं, गोले में छात्र सभी को खड़ा किया गया, जो इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उनके पास जो है सैनिटाइज कराया जाता है, थर्मल स्कैनिंग होता है, इसके बाद जो है फिर जो है इन्हें अंदर प्रवेश दिया जाता है। संक्रमण काल में बच्चों को सुरक्षा पहले ज़रूरी है, इसलिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था है और जो अभिभावक अपनी सहमति दे रहे हैं उन बच्चों के लिए क्लास भी सुचारू से चलाया जा रहा है। जितना कोरोना काल के निर्णय हैं, जितने उनके आदेश हैं, सारे का पूर्णतया पालन हो रहा है। हर बच्चे की चेकिंग, साफ सुथरा सब व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम विद्यालय का रूम सब सैनिटाइज है, कहीं कोई दुर्व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। ज़्यादातर गार्जियन अभी सहमति पत्र नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा शंकित हैं, 7-8 महीने के बाद विद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों में उत्साह है और शिक्षकों में भी उत्साह है कि इतने लंबे समय तक बच्चों से दूर रहने पर बच्चों के अंदर अवसाद, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ चल रही हैं लेकिन सब बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन भी चालू रखा हुआ है, आज से बच्चों को क्लास में उनके टीचर ले जाकर उनकी सीट फिक्स कर दिए हैं। पहली पाली में 9 और 10 की कक्षाएं, दूसरी पाली में 11 और 12 कक्षाएं चलाई जाएंगी। जिस प्रकार से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, कहीं ना कहीं COVID-19 को जो देखते हुए पूरी व्यवस्था की गई है, 400 बंद है, पूरी जो व्यवस्था जो गाइडलाइन जारी की गई, गाइडलाइन के तहत जो है यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू से चालू करने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। COVID-19 में गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, COVID-19 के सारे नॉर्म्स को पूरा करते हुए आज 9 से 12 तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही स्कूलों को खोल दिया गया है। बच्चे भी उसी हिसाब से आ रहे हैं। कुछ हमारे साथ पहले पेरेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं। सर, बहुत दिनों से जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई रुकी हुई थी और ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का इसमें बहुत जो है मेहनत था, बट मेरे को लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस चलना ज़रूरी है और अच्छा डिसीज़न है ये गवर्नमेंट ने ये लिया, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स ही पास आएंगे। बिल्कुल सही डिसीजन है सर, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं तो उस हिसाब से ऑफलाइन पढ़ाई ज़्यादा बेटर होती है ऑनलाइन पढ़ाई के मुकाबले। बच्चों से भी पूछेंगे, बताएं ये कैसा महसूस हो रहा है, लंबे अरसे बाद स्कूल आए हैं आप। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी उसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता था, आज टीचर से हुबहू हुए हैं तो आज थोड़ा बहुत समझ में भी आया है ऑनलाइन पढ़ाई के मुकाबले। सेफ्टी के हिसाब से कितना ठीक है ये? सेफ्टी के हिसाब से बहुत सही है, यहाँ पे डेली वो सैनिटाइजिंग है और मास्क ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। ये जो सरकार ने फैसला लिया, आपको लगता है कि ये सरकार का फैसला ठीक है? जी हाँ, ये सही सरकार का फैसला सही है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है और ऑफलाइन जो समझ में आता है वो बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन में नेटवर्क इशू बहुत है और सभी बच्चे इन बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम फेस करना है, इसलिए मास्क और सैनिटाइज़र के साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी ज़रूरी है। इसलिए बच्चे इस क्लास से खुश हैं और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं। बदीउज़्ज़मा, गाज़ियाबाद, R9 TV। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और वहां पर स्कूलों की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं मैं यहां पे एक स्कूल में खड़ा हूं, जहां पे जो बच्चे आ रहे हैं वो सबसे पहले यहां पे आकर के अपने आप का हैंड जो है सैनिटाइज करेंगे और इसके बाद यहां पर सैनिटाइज करने के बाद फॉगिंग करेंगे और यहाँ से फॉगिंग के होने के बाद ये बच्चे गार्ड के पास पहुँचेंगे, जहाँ पर इनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और साथ ही ऑक्सीमीटर से इनका पूरा ऑक्सीमीटर होगा। और इसके अलावा देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है, जिस रजिस्टर में सारे बच्चों का नाम लिखा जा रहा है और उनका टेम्परेचर लिखा जा रहा है, साथ ही ऑक्सीमीटर का जो भी आ रहा है वो चेक किया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे स्कूल में कक्षा में पहुँचेंगे, जहाँ पे कक्षा के अंदर एक कक्षा में 12 बच्चे होंगे और उनको पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही अंदर गेट के अंदर घुसेंगे लिखा हुआ है वेलकम बैक टू स्कूल, और इसके बाद सेफ्टी फीचर्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं कि किस तरीके से बच्चे आएंगे और
कैसे अपने हैंड को वॉश करेंगे और साथ ही दूरी बना के रखेंगे और क्लास के अंदर मास्क पहन के बैठेंगे और मास्क के साथ ही वहाँ पे जो टीचर होंगे वो उन्हें क्लास में लेकर के एजुकेशन और जो पढ़ाई होगी वो उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो स्कूल 7 महीने बाद आके बहुत अच्छा लग रहा है और स्कूल आके यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स हैं, मतलब पहले आए तो सैनिटाइज किया अपने आप को, फिर टेम्परेचर चेक ऑक्सीमीटर से, फिर जब क्लासरूम में भी गए वहाँ पर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है और वहाँ पर भी क्लास के बाहर सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, अगर किसी को लगे कि उन्होंने कुछ टच कर लिया है तो जाके सैनिटाइज कर सकते हैं। अभी 10th और 12th को बुलाया है हमने और 2 शिफ्ट में बुलाया है। मॉर्निंग में अभी 10th की शिफ्ट चल रही है, 12th की शिफ्ट एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स दोपहर में है। और एज फार एज अरेंजमेंट्स आर कंसर्नड, वो आपको दिख भी रहा होगा कि जब बच्चे आ रहे हैं तो उनका टेम्परेचर लेके नोट हो रहा है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल लेके नोट होता है, प्लस फॉगिंग है, अंदर सैनिटाइजेशन की मशीन कॉन्स्टेंटली चल रही है। यहाँ पर 2 गज की दूरी, मास्क पहनना ज़रूरी, ये फॉलो भी हो रहा है। और यहाँ पर क्या कहते हैं क्लास में क्या टीचर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेंटेन कर रहे हैं और हम लोग को अच्छे से पढ़ाई हो रही है काफ़ी, और सेफ भी फील होता है क्योंकि इतने अच्छे से सारे मेंटेनेंस हो रही है सोशल नॉर्म्स की। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है ज़रूरी, ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को बता करके स्कूल भेजेंगे, वहीं स्कूल में इस बात को लेकर के टीचर्स भी फॉलो करेंगे। ऑनलाइन से अश्विनी निगम, कानपुर। हमारे साथ मौजूद हैं अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन अनिल कुमार जी। अनिल जी, आप खुद स्कूल भी चलाते हैं, आप अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। इस समय की व्यवस्थाओं की बात करें तो अब जो स्कूल खुल गए हैं, आप लोग तमाम समय से मांग भी कर रहे थे स्कूल खुल जाएं, अब स्कूल खुल गए हैं तो व्यवस्थाएँ क्या? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एसोसिएशन के जितने मेम्बर स्कूल हैं उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने आज से स्कूल अपने खोले हैं और उनमें से कई लोग 26 से खोलेंगे। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो SOP गाइडलाइंस हम लोगों ने भी सरकार को अपनी तरफ से बना के दी थी शासन को, और उसी गाइडलाइंस को लगभग शासन ने एक्सेप्ट किया और प्लस उसमें थोड़े से चेंजेस के साथ हम लोगों को बताया कि ये गाइडलाइंस का हम लोगों का पालन करना है जो मानक निर्धारित करे गए। जैसे मेडिकल रूम की चीज़ कही गई। अगर मैं सेंट जोसेफ ग्रुप की बात करूँ, जिसका जो आई एम दी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो हमारी ब्रांचेस जो जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर सारे अरेंजमेंट वन ऑफ द बेस्ट हमने करे हैं कि किसी भी तरह से बच्चों को कोई असुविधा ना होने पाए। तो मुझे लगता है पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो भी आज जो पेरेंट्स के जो बच्चे आज स्कूल में आए हुए हैं, जब वो अपने घर जाएंगे तो अनडाउटेडली पेरेंट्स के मन में इस समय सैकड़ों सवाल आ रहे होंगे कि पता नहीं कैसे होगा, और बच्चा ही जाके जब बताएगा कि नहीं स्कूल में ये सारे अरेंजमेंट थे, तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत स्मूथ हो जाएंगी। साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों के अंदर जरूर जब स्कूल पहुंच रहे हैं उनके अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वो छुट्टियां बिताकर स्कूल पहुंचे हैं। इसके साथ ही में जो स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर अभिभावकों को अभी भी कुछ कमी लगती है तो उन्हें सुझाव दें और उनके सुझाव के आधार पर स्कूल नए सिरे से नए तरीके से खोले जाएंगे। एक जो सेक्शन होता था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, सबका अलग अलग अलॉटेड टाइम है, कोई भी बच्चा साथ में 2 सेक्शंस एक साथ नहीं आ सकते हैं, अलग अलग समय पे आते हैं, और जो भी सीधे हम लोग को डायरेक्ट क्लास में ही जाना होता है। कोरोना को लेकर डर मन में किसी प्रकार का नहीं? डर है, आप प्रिकॉशंस लीजिए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, और हमारे टीचर्स ने हम लोग को ऑलरेडी गाइड कर दिया था कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो बिल्कुल भी डर नहीं है। अब कोरोना काल के बाद में जहां स्कूल आने का तरीका बदला है तो स्कूल से जाने का भी तरीका बदल गया। पहले अमूमन जब छुट्टी होती थी तो बच्चों के अंदर अलग सा उत्साह होता था और शोरगुल करते हुए भीड़ भड़ाके में वो लोग जाते थे, लेकिन इस समय की बात करें कोरोना काल के बाद में बच्चे लाइन लगाकर जा रहे हैं और उनके बीच में दूरी साफ देखी जा सकती है। तो इस तरह से जहाँ कोरोना काल के बाद अब स्कूल खुले हैं तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो परिवर्तित नजर आ रही हैं। स्कूल से आने से लेकर जाने तक सब कुछ बदल गया है।
लखनऊ से अमीश के साथ चिन्मणि शुक्ला, आनंद टीवी। कोरोना काल के बाद लगभग जो है 8 महीने के बाद स्कूल खुले हैं। कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके चेहरों पर जो है कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दी है, लेकिन जो उनके अभिभावक हैं वो अभी भी उनको डर लग रहा है कि उनका बच्चा जो है स्कूल के अंदर जाए कहीं उसको कोरोना पॉजिटिव होना हो जाए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ हम एक स्कूल के अंदर हैं जो आरएबी इंटर कॉलेज है, और इस स्कूल के अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी कम बच्चे आ रहे हैं, यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको डर लग रहा है कि हाँ उनका बच्चा जो है कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि स्कूल की जो उन्होंने भी गाइडलाइंस जारी की हैं कि अगर आपका बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो वो स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये 9th क्लास है और यहाँ लगभग 7 बच्चे बैठे हैं जिसकी कैपेसिटी क्लास की काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्कूल के अंदर पहला दिन है, बच्चों के अंदर भी अभी जो डर खौफ दिखाई दे रहा है, उनके अभिभावक हैं उनके अंदर भी डर खौफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ स्कूल के टीचर हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक दिन पहले उन्होंने किस तरीके से तैयारी की थी क्योंकि आज स्कूल खुलने थे। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नाम, मोहम्मद इरफान। आप यहाँ टीचर हैं, आप अच्छे जैसे आज स्कूल खुलने थे, कल आपने क्या क्या तैयारी की थी स्कूल की? सारी सफाई की है, सैनिटाइज़र किए हैं, सुबह में भी 6 बजे करीब सैनिटाइज़र करें, क्लास भी बच्चों का वो भी चेक इन कर रहे हैं, टेम्परेचर मास्क चेक कर रहे हैं, पूरा उसका ध्यान रख रहे हैं मतलब। अच्छा मास्टर जी, जैसे आज पहला दिन है तो कितने परसेंट बच्चे कम आए हैं, क्योंकि जैसे पहले जो है जो लॉकडाउन से पहले इस क्लासे जो है भरी रहती थी, लेकिन आज क्लास के अंदर 6 और 7 बच्चे ही रह गए हैं, क्या अभी भी अभिभावकों को डर लग रहा है? धीरे धीरे आएंगे, डर भी है थोड़ा सा, धीरे धीरे वो कर रहे हैं, आएंगे बच्चे बढ़ेंगे, आज पहला दिन है तो बच्चे कम आए इसलिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि टीचर्स का भी ये कहना है क्योंकि अभी जो अभिभावक हैं वो डर रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में जो है स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अनलॉक 5 के अंदर जो है स्कूल को जो गाइडलाइंस मिली हैं स्कूल खोले जाने की, कहीं ना कहीं अभिभावकों को अभी भी डर लग रहा है कि उनका जो लाल है, उनका जो बेटा है वो कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं वो कोरोना की चपेट में ना आ जाए, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने भी जो है जो अभिभावक हैं उनको एक नोटिस जारी किया था जिसमें एक पूरा पर्चा भरा गया था, उसमें लिखा गया था कि अगर आपका बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाता है या उसको कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ अब्दुल कादिर, मेरठ, R9 TV। 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब स्कूल खुले हैं। उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज आज से खुल गए हैं। इस समय हम प्रयागराज के ज्वाला देवी विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हैं और यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आप देखिए यहां पर ये 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद स्कूल में क्लास चालू हुई है। यहां पर बच्चे आए हैं और जो बच्चे आए हैं इनमें आप देखिए ये पूरी तरह से जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वो सभी मास्क लगाए हुए हैं। इनके डेस्क पे कॉपी किताब के साथ ही इनके साथ पानी की बॉटल और सैनिटाइज़र रखा हुआ है। जितने भी बच्चे आए हैं ये सब अपना अपना सैनिटाइज़र अपने साथ लेकर आए हैं, पानी की बोतल लाए हैं, अपना टिफ़िन लाए हैं और सबसे ज़रूरी बात कि हर एक बच्चा मास्क लगाया हुआ है और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये लोग क्लास में बैठे हुए हैं। लगभग 7 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद बच्चे अब क्लास में आए हैं तो वो उन लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है, बच्चे जब आए हैं स्कूल तो क्या सावधानियां ये बरत रहे हैं, ये बात करने के लिए जो यहाँ पर क्लास में बच्चे मौजूद हैं वे इनसे इन छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आप 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद आए हैं, कोरोना की गाइडलाइन का किस तरह से पालन कर रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं। हम लोग यहाँ पर मास्क लगाए हैं, सैनिटाइज़र लाए हैं और लंबे इंतज़ार के बाद स्कूल आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कतें हो रही थी, नेट ठीक से नहीं चल पा रहा था तो उसमें प्रॉब्लम होती थी और यहाँ पे आए हैं तो अब अच्छे से समझ में आएगा और बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो ये काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे उसके बाद आज आए हैं, और भी छात्र हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अब इतने लंबे इंतज़ार के बाद आज इस कॉलेज इनको आने का मौका मिला है, स्कूल आए हैं, क्लास कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? हम लोग बहुत खुश हैं कि स्कूल खुला है पुनः, और ऑनलाइन क्लास में काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि नेट में इंटरनेट प्रॉब्लम और नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहती थी और सारे डाउट क्लियर नहीं होते थे,
इस वजह से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि अब इस तरह अगर क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, तो उसमें हम लोगों को सारे डाउट क्लियर होंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे, और आगे बोर्ड की परीक्षा है तो उसके लिए भी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और तैयार रहेंगे। अब यहाँ पर जो इस क्लास के शिक्षक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आप लोग पढ़ाई करा रहे हैं, क्या क्या गाइडलाइंस जो छात्रों को अब तक बताई गई है। यस सर, एट फर्स्ट हम लोगों ने क्लास तो स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन अप्रैल से ही, लेकिन बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, तो अब गवर्नमेंट के गाइडलाइन के बाद हम लोगों ने जितनी भी गाइड वो रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के वो फॉलो करते हुए, फॉर इंस्टेंस कि जैसे ही बच्चे एंट्री लेते हैं वहाँ पर इन्हें सैनिटाइज़ किया जाता है गेट पर, और इनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद ये क्लास में आकर के बैठते हैं सारे जो है सभी बच्चों के पास सैनिटाइज़र, अपना सेल्फ पानी बॉटल है, और सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो करते हुए टीचिंग स्टार्ट किए हैं आज से। तो ये गुरुजी जी जो बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और उसके तहत ही क्लासेस चलाई जा रही हैं। जो छात्र लंबे इंतज़ार के बाद अब क्लास में आए हैं और इन्हें यहाँ पर सीधे शिक्षक के जरिए जो उनके टीचर हैं उनसे रूबरू होकर अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, तो छात्रों में भी खुशी है और छात्र कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इसी तरह से रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मनीष पालीवाल, R9 TV, प्रयागराज। अब बच्चे स्कूलों में आना शुरू कर दिए हैं, और विद्यालय के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो प्रबंधन जो है अभिभावकों से सहमति पत्र लेने के बाद से बच्चों को विद्यालय में दाखिला दे रहे हैं और बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति दे रहे हैं। ऐसे मांग बात करें तो कैमरामैन से मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि विद्यार्थियों की एक झलक जो है R9 TV के दर्शकों को दिखाएं और विद्यालय और डिस्टेंसिंग दिखाएं, जिस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, विद्यालय द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई हैं बच्चों को, बच्चे जो है गाइडलाइन का पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और ऐसे में हम बात करेंगे तो लगभग 7 महीने बाद जो आज विद्यालय खुले हैं और विद्यालय के गेट पे सुरक्षा व्यवस्था को अगर देखा जाए तो विद्यालय कोरोना से बचाव के लिए अगर देखा जाए तो मास्क रखा गया है, सैनिटाइजर रखा गया है, और जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जो बीमारी से बचाव के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया है। ऐसे में हमारे साथ जो है ओबरा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल और केमिस्ट्री के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से विद्यालय में व्यवस्थाएँ की गई है। सर, जो कोरोना काल में लगभग 7 महीने बाद से आज जो विद्यालय खुले हैं, सर विद्यालय के द्वारा सब क्या क्या व्यवस्थाएं की गई और क्या क्या निर्देश दिए गए? कॉलेज खुलने के पहले ही पूरे कॉलेज को सैनिटाइज कराया गया है, बाथरूम को सैनिटाइज कराया गया है, कॉलेज के गेट पर ही वॉश बेसिन की व्यवस्था की गई है, वहाँ हैंड वॉश रखा गया है, और कॉलेज गेट पर सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था है, और जो लड़के किसी कारणवश मास्क भूल जा रहे हैं, नहीं लेके आए हैं, उनके लिए कॉलेज गेट पर मास्क की भी व्यवस्था की गई है। तो पूर्ण सावधानी बरती जा रही है, जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन का अक्षर से पालन करते हुए पठन पाठन आज से प्रारंभ किया जा रहा है। सर, जैसा कि अगर देखा जाए तो सर ये जो सहमति पत्र जो एक आदेश हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का कि सहमति पत्र लेने के बाद से अभिभावकों से सहमति पत्र लेने के बाद से बच्चों को विद्यालय में मतलब आने की अनुमति है, सर इसके लिए क्या मतलब? हाँ, सहमत पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से सभी बच्चों और गार्जियन के पास भेजा जा चुका था। आज कॉलेज में जो बच्चे आए हैं सहमत पत्र लेकर के आए हैं, कुछ बच्चे सहमत पत्र नहीं ले आए थे तो उनको आज वापस कर दिया गया है कि बच्चों कल अभिभावक की सहमत पत्र लेकर उनका हस्ताक्षर करा के लेके आएंगे, तभी शिक्षण कार्य में आप भाग ले सकते हैं। हालांकि विद्यालय लगभग 7 महीने बाद खुला, विद्यालय खुलने का पहला दिन है, हालांकि बच्चों में जितनी संख्या विद्यालय में होनी चाहिए उतनी संख्या तो फिलहाल पहले दिन नहीं दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्थाएँ जो है सुधरेंगी। सोनभद्र से प्रवीण विश्वकर्मा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। मेनमली पढ़ाई की तरफ इंडिया बढ़ने के लिए तैयार है, क्या है मानक तय किए गए हैं, कितनी व्यवस्थाएं हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैनुअली प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचने के लिए बच्चे कितने तत्पर तैयार हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आइए आपको लिए चलते हैं पाठशाला में और जानते हैं कि मैनुअली पढ़ाई की तरफ कितने बच्चों का रुझान है और कितने बच्चे आए हैं, क्या क्या नियम भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तय किए गए हैं, उन नियमों का कितना ध्यान रखा जा रहा है। आइए लिए चलते हैं आपको पाठशाला में और देखते हैं मैनुअली पढ़ाई की पाठशाला में क्या विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने थर्मल की व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइजिंग जो है हमारे यहाँ प्रतिदिन होती है, और बच्चों को जिगजैग उसमें बैठाया गया है क्लासरूम में ताकि वो डिस्टेंस उनका 1 फीट का बना रहे। उन्हें ये बताया गया है कि वो सिर्फ अपना टिफ़िन खाएं, अपना पानी पिए, और किसी के न टिफ़िन शेयर करें, न किसी का पानी पिए, ना अनायास वो बाहर घूमें। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है,
और हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, और क्लास में बच्चों को दूर दूर बैठने की व्यवस्था है। एक बेंच पे एक बैठेगा, उसके पीछे वाले पे जिग जैग जेड बनाते हुए बैठना है। आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो चुकी है। इस समय हम देख सकते हैं विद्यालय में हैं। मैनुअली पढ़ाई का जो दौर है वो फिर से पटरी पर धीरे धीरे लौट रहा है। यही वजह है कि कुछ शर्तों के साथ आज से पाठशालाओं को खोलने की अनुमति मिल गई है। जो बच्चे अपने पेरेंट्स से अनुमति लेकर स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल प्रशासन उन अनुमति के साथ ही मानकों को ध्यान में रखकर आज से पाठशालाओं में बैठने की जहां परमिशन दे रही है, तो वहीं थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ हाथ सैनिटाइज भी कराया जा रहा है स्कूल प्रशासन की तरफ से। और आप देख सकते हैं जहां लगभग 30 से 40 बच्चे हुआ करते थे, वहां गिने चुने बच्चे दिख रहे हैं और वो भी मास्क लगा कर बैठे हुए हैं और मैनुअली पाठशाला में वो पढ़ाई कर रहे हैं। हालाँकि कोरोना काल में डिजिटल पढ़ाई का एक दौर आ गया था, एक चलन आ गया था, लेकिन उसके बावजूद अब मैनुअली पढ़ाई की तरफ वापस बच्चे लौट रहे हैं। ऐसे में जिन गार्जियनों से अनुमति बच्चों को मिली है उन्हीं को यहाँ पढ़ने का मौका दिया जा रहा है और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो मानक तय किए गए हैं कोरोना काल में, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अगर पाठशाला में आके आपको मैनुअली पढ़ना है तो। कैमरा पर्सन विजय वर्मा के साथ राजू श्रीवास्तव, R9TV, बनारस। लंबे अंतराल के बाद जब आज स्कूल खुले हैं तो छात्रों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि छात्रों ने अपने घर पर रहकर पढ़ाई की थी ऑनलाइन, लेकिन अब बच्चों का मानना है कि स्कूल खुले हैं तो उनकी जो पढ़ाई छूट गई है वो भी अब अच्छी तरह से हो सकेगी। हमारे साथ स्कूल प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, अभिभावक मौजूद हैं। नियमों की अगर बात करें तो प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। आप बताइए, स्कूलों के लिए जब आज से स्कूल काफ़ी लंबे अंतराल के बाद खोला गया है, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या तैयारियाँ की हैं? जो दिशा निर्देशन ऊपर से मिले हैं, प्रशासन के जो भी दिशा निर्देशन हैं, उसी के अकॉर्डिंग विद्यालय खोला है। गार्जियन से सहमति ली है बच्चों के लिए, वो जब सहमति प्रदान उन्होंने कर दी है बाई एप्लीकेशन, उसके बाद ही हमने बच्चों को बुलाया है। साथ ही जो दिशा निर्देशन है, चाहे वो सैनिटाइज का हो, चाहे वो मास्क का हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंस का हो, ये पूर्ण कंप्लीट करने का। दूसरी जो व्यवस्थाएं विद्यालय की हैं, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, साफ सफाई की हो, या पेयजल की व्यवस्था हो, जैसा कि प्रशासन ने रिपोर्ट भी मांगी है, हमने कल रिपोर्ट भी सेंड कर दी है पूरी बना करके प्रॉपर, और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए एक्चुअल में वो व्यवस्थाएं कंप्लीट करने के बाद ही हमने बच्चों को बुलाया है। एक्टिविटीज की बात करें, खेल कूद होते हैं तमाम ऐसी, लेकिन इस पे भी रोक लगाई है इस बार अभी फिलहाल में ये। बिल्कुल अभी इन एक्टिविटीज को बिल्कुल क्लोज रखा है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, आज बच्चों को बुलाया है हमने। आप अभिभावक हैं, सुबह अपने बच्चे को छोड़ने के लिए आए हैं, स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल की तरफ से आपको क्या बताया गया है कि बच्चे को किस तैयारी के साथ स्कूल भेज रहे हैं? सर, हमको ये बताया गया है कि बच्चे को मास्क लगा के लाना है और स्कूल में खाना पीना नहीं कराना है और खुद ही लाना है, खुद ही लेके जाना है बच्चे को, कोई भी व्हीकल वगैरह मतलब स्कूल की तरफ से नहीं है। ये दिशा निर्देशों की अगर बात करें तो जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही स्कूल प्रबंधन काम कर रहा है, और जो भी दिशा निर्देश मिले उसमें खास तौर पे ये है कि जो स्कूल की तरफ से वाहन भेजे जाते वो नहीं भेजे जाएंगे, अदर एक्टिविटीज स्कूल में होती थी वो नहीं होंगी। अभिभावकों की ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आएंगे और वही लेके जाएंगे। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं, उन छात्रों से भी आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष वगैल। आशीष, बड़े अंतराल के बाद आज स्कूल खोला गया है, काफी समय हो गया, 7 महीने से अधिक का समय हो गया, क्या स्कूल से दिशा निर्देश मिले और कैसा महसूस? सर, स्कूल से जब मतलब निकल गए तो मतलब बहुत टाइम लगा, जब हमें स्कूल नहीं खुले थे, हमें हाई स्कूल की पढ़ाई करनी थी, कोचिंग में भी सारी पढ़ाई करनी पड़ रही थी, पर वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो हमें स्कूल के टीचरों की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्कूल के टीचर जो वो ज्ञान देते हैं, जैसे मतलब सब टीचरों का ज्ञान एक संग आता है, और जो टीचर वो एक्सपीरियंस वाले होते हैं। लंबा समय बीत गया, पढ़ाई छूट गई, कैसे आप पढ़ाई का पूरा कर पाएंगे? पढ़ाई को सर, अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, जब टीचरों का साथ होगा, टीचर भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, तो टीचरों का साथ करके मेहनत करेंगे पूरा। अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गया, वो पढ़ाई चालू होगी, और 10th की पढ़ाई उसके साथ थोड़ी दिक्कत थी जी, इसीलिए पढ़ाई छूटी भी छूट हुई। छूटी नहीं है सर, वो तो ऑनलाइन क्लास से चल रही थी हमारी, बस सर आप स्कूल खुले तो और बढ़िया है, और बढ़िया होगी। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर जी। और जो ऑनलाइन पढ़ाई थी उसमें भी ठीक था, अब बढ़िया समझाएंगे तो उसमें ठीक रहेगा सर। अगर छात्र को कोई भी स्कूल में दिक्कत होती है तो तत्काल वो स्कूल प्रबंधन से संपर्क करें, और बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश के लिए अहम दिन है, और आज से स्कूल 9th, 10th और 12th के लिए खोल दिया गया है। अपने सहयोगी मार्विन सिंह के साथ शिव चौहान, आगरा R9TV, उत्तर प्रदेश।